दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि जब पेपर प्लेट बिजनेस हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें कहाँ पे सेल करना चाहिए और कहाँ पे हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, होलसेल में या फिर रिटेल में। तो आज हम इस वीडियो में आप लोग इन दोनों टॉपिक पे फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और हाँ, अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे शुरू करें, ताकि इस तरह का नए नए वीडियो आप लोग पर जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं जब हम पेपर प्लेट बिजनेस फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा हमारा किस में होता है, होलसेल में या फिर रिटेल में। क्योंकि जब हम पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग को लगता है कि होलसेल में हम सेल करते हैं तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा उसी में होता है। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता है कि यदि आप लोग रिटेल में बेचेगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कैसे होगा, जब हम फर्स्ट टाइम पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक सैंपल लिए सभी आइटम की, उसको हमने बैग में डाल लिया और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें होलसेल के पास जाना चाहिए। क्योंकि जब हम होलसेल के पास जाएंगे तो एक बार में वो हमारा एक बोरा, दो बोरा, चार बोरा या दस बोरा माल लेगा एक बार में, और हमें ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग यहीं पहले गलती कर देते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप होलसेल के पीछे भागिएगा ना, तब होलसेल के बहुत सारे नखरे होते हैं। सबसे पहले वो क्या कहेंगे, जब उनके पास जाइएगा तो उनको जब अपना प्रोडक्ट दिखाइएगा तो कहेंगे कि यार बाद में आइएगा, हमारे पास माल है। नेक्स्ट के पास जाइएगा तो कहेगा आपका रेट बहुत ज़्यादा है, कुछ कम कर लीजिए। जब नहीं लेने का मन हुआ तो ये कहेंगे। फिर दूसरे के पास जाइएगा तो कहेगा यार अभी तो हमारे पास माल है, फिर कभी आए। फिर हम और आगे जाते हैं, किसी और से बात करते हैं तो वो कहेंगे कि यार आपका रेट तो बहुत ज़्यादा है, इससे कम में तो हम आपको दे देंगे। जब हम ये बात सुनते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार सारा सेटअप हम लगा के हमें इतना का प्रॉफिट हो रहा है और ये माल किसी और से ख़रीद के इससे कम में हमें कैसे दे देता है। बस यही हम लोग कन्फ्यूज होते हैं कि क्या होता है ये दिक्कत। देखिए जब आपसे कोई माल लेना नहीं चाहेगा ना तो ये सारे बहाने बनाएगा। इसीलिए आप फर्स्ट टाइम जब पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तब होलसेल के पीछे ना जाके आप रिटेल में सेल कीजिए। देखिए रिटेल में क्या होता है, रिटेल में आपको बहुत ठेले को बात करना पड़ेगा, ठेले के पास जाना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा और उन्हें अपना माल दिखाना पड़ेगा। उनसे आप एक रुपये या डेढ़ रुपये पैकेट पर कमा लेंगे आराम से, लेकिन आप होलसेल में नहीं कमा पाइएगा। जितना नखरा होलसेल वाले करते हैं ना, उससे बहुत कम नखरा यानी ना के बराबर रिटेल वाला करता है। उन्हें क्या होता है, वो रोज़ 20 पैकेट 50 पैकेट रोज लेते हैं। इसीलिए यदि आप लोग फर्स्ट टाइम पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो आप रिटेल में सेल कीजिए। आप किसी ठेले के पास जाइएगा, बोलिएगा भैया हम पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो क्या आपको पेपर प्लेट चाहिए, तो कहेंगे हाँ दिखा दो अपना सैंपल। उसको आप सैंपल दिखाइए, वो आपसे प्रोडक्ट ले लेगा। 20 पैकेट 50 पैकेट एक ठेला वाला रोज लेता है। तो इसी तरह से करके आप 10 ठेले या 15 ठेले पकड़ लेते हैं ना, तो आपका कंटिन्यू मशीन चलता रहेगा। और हाँ, कैश में माल जाएगा और कैश में आपको पेमेंट भी आएगा, और इसी तरह आप काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और होलसेल में क्या होता है कि आप होलसेल पकड़ते हैं तो आपका उधार का काम चालू हो जाता है, क्योंकि वो कैश में माल नहीं देता है। इसीलिए नए लोग बर्बाद हो जाते हैं उधार के चक्कर में, इसलिए उधार के पीछे ना पड़े। इसीलिए यदि आप लोग पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप होलसेल के पीछे ना पड़ के आप रिटेल में सेल कीजिए। यदि आप रिटेल में सेल करते हैं ना, तो पैकेट पे आपको कम से कम एक रुपये से प्लस आप बेचे कमा सकते हैं। जैसे मार्केट में आप होलसेल में 4.5 रुपये में दे रहे हैं 6 इंची प्लेट, तो आप उसको रिटेल में 5.5 रुपये में या 6 रुपये में आराम से बेच सकते हैं। यानी पैकेट पे 1-1.5 रुपये आप ऊपरी कमाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेल करते हैं तो आपका प्रॉफिट दुगना तिगना हो जाएगा और आप एक मशीन से 4 मशीन तक सफ़र कर सकते हैं। तो अब आप लोग बताइए कि ज़्यादा प्रॉफिट किस में है, होलसेल में या फिर रिटेल में।